Hi guys, welcome back to another video of Economics on your Tips. तो भाई आप लोगों की 12th हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से मेरे पास मैसेजों का भंडार लग गया है। वो मैसेज इस तरीके के हैं कि भैया 12th के बाद सर हम क्या करें, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं और कहने को अगर कॉमर्स फील्ड की बात करें तो ले दे कि सी और सी एस के अलावा कोई ऑप्शन हमें मिलता नहीं, या ऐसा कहें कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस शायद कोई हमें दिखाना नहीं चाहता। तो गाइस आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं कि क्लास 12 के बाद जिन लोगों ने कॉमर्स ऑप्ट की है उनके लिए कौन कौन से पॉपुलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां ध्यान रखें मैं सर्टिफाइड ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, उसके अलावा किसी ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। जो लोग अपना खुद का फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग खुद अपने किसी इंटरेस्ट वाली फील्ड में जाना चाहते हैं उनकी यहां पर बात नहीं कर रहे। यहां हम बात कर रहे हैं कि आपने क्लास 12 कंप्लीट कर ली है, अब आप लोगों के सामने क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिन लोगों को बैंक में जाना है उन लोगों के बारे में बात करेंगे, जिन लोगों को सरकारी नौकरी में जाना है उनके बारे में बात करेंगे, साथ साथ जिन लोगों को कि भैया हमें तो पढ़ाई से ही कुछ निकाल के लाना है यानी कि पढ़ पढ़ के डिग्री ले लेकर ही कुछ करना है, तो आज उन लोगों की बात भी अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे कॉमन कोर्स के बाद, बीकॉम। तो भाई सबसे पहला और सबसे कॉमन कोर्स है आपका जो क्लास 12th करने के बाद, जैसे कि 10th के बाद 11th होती है, 11th के बाद 12th होती है, वैसे ही कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 12th के बाद होती है बीकॉम। ठीक है, तो बैचलर ऑफ कॉमर्स सबसे कॉमन कोर्स है आप लोगों के लिए जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की होगी, 12th पास करके आप उसको इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। एज सच का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कुछ नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के हिसाब से आप लोगों को एडमिशन लेना है। ठीक है, साथ साथ होता है आपका बीकॉम ऑनर्स, तो ये आपके ऊपर है कि आप नॉर्मल पास कोर्स लेना चाहते हैं या फिर ऑनर्स लेना चाहते हैं। जनरली जो होता है पास कोर्स वो लोग लेते हैं जो कि साइड बाय साइड सीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड ऑनर्स वो लोग अडॉप्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो उसमें स्पेशलाइज आ जाता है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ बीकॉम से ही कुछ निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन कोर्स हो गया आप लोगों का बीकॉम, दैट इज द मोस्ट कॉमन कोर्स। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है जिसके बारे में शायद लोग बात नहीं करते वो है आपका बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड कोर्स क्या है, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपको कई जगह कम बहुत कम यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है, बट इट्स अ गुड कोर्स और जैसा कि आज अपन पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की जो डिमांड है वो काफी बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक्स की जो सप्लाई है वो काफी कम है, तो अगर आप चाहें तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। पर एक चीज याद रखो, कल मेरे पास एक बच्चा आया था, हमारे यहीं पर आया था सेंटर पर, वो वेस्ट बंगाल से आया था वो बेचारा, और उसने मुझसे आके बोला, मैंने कहा बेटा क्या करना है 12th के बाद, तो ही वाज लाइक सर मुझे इको में कुछ करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, एक छोटी सी चीज समझना। दो चीजें होती है, जैसे आज अगर 12th के बाद बात करें तो 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स में कुछ करना है। तो देखो दो अल्टरनेटिव आप लोगों के सामने है, दो कंडीशन होती है, एक कि सर मुझे अच्छा लगता है, दूसरा कि सर मुझे अच्छा लगता है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है, देखो एक होता है कि आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है और दूसरा ये होता है कि आपको वो समझ आ रही है इसलिए आपको उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अपन ने पिछले साल पढ़ा था दबा के, ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपन ने इको पढ़ी थी। ठीक है, वो समझ आ रही थी इसलिए अच्छी लग रही। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि सर मुझे उसको पढ़ना अच्छा लगता है, आई लव टू प्ले विद द वेरिएबल्स लाइक डिमांड सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट, इनके साथ मुझे इंटरेस्ट आता है इनको पढ़ने में, अगर कोई पढ़ाने वाला भी नहीं हो तो भी मैं पढ़ने में इन चीज में इंटरेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हूं, तो आप इकोनॉमिक्स की तरफ आगे बढ़े, वरना सिर्फ इकोनॉमिक्स को एक कॉमन मोटिव बना के आगे नहीं बढ़े, एक जनरल मोटिव लें, क्योंकि आप बीकॉम में भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स करोगे उसमें भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे समझ में आ रही है तब तक अच्छी है, जिस दिन समझ में नहीं आई उस दिन खराब हो जाएगी, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप उस चीज को लेकर आगे तक नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकंड जो आपको ऑप्शन आता है, या चलो इसमें थोड़ा सा और बताता हूँ, तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमिक्स और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आप लोगों ने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है दैट इज द बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज है वो एक होगी, उसमें अब तक शायद इको आप लोगों ने ढंग से पढ़ी भी नहीं, आपने सिर्फ इंटर पढ़ा। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन जो, थर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका बीबीए, काफी रिसर्च करके आए अपन, थर्ड है बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बीबीए करनी है, एमबीए करने, बीबीए के बाद एमबीए करोगे अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास। हाँ, सिर्फ बीबीए के बाद कुछ और करने में इंटरेस्ट हो तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर ध्यान के बैठे कि सर मुझे तो एमबीए करनी है तो उससे पहले अगर आप बीबीए करोगे ज्यादा फायदेमंद है, स्पेसिफिक कोर्स को पकड़ सकते हो, फाइनेंस में कर ली, किसी में कर ली। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी जनरलाइज देती है, कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कोर्स वाइज देती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एलएलबी, यानी कि बैचलर ऑफ लॉस।
एलएलबी का जो ऑप्शन है वो भी आप लोग ले सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरलाइजली 3 साल का आपका कोर्स होता है, बट अगर आप बी एलएलबी साथ में करते हो तो दैट विल कम अपॉन इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसका 5 साल का उसका ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट कोर्स सबसे ज्यादा कहते हैं आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है वो है आपका डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा करना, तो गाइस आई सजेस्ट कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो उसके साथ साथ उसको साइडलाइन कोर्स करके करो, ठीक है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो साइडलाइन कोर्स करके करो। अगर आप क्या कहते हैं उसको मेन स्ट्रीम बनाते हो तो वो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा कि अगर आगे चल के कुछ नहीं हुआ। देखो वैसे तो इंसेंटिव डिजिटल मार्केटिंग के बाकियों से ज्यादा है, बट स्टिल वी कांट रिलाई ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। ये हमेशा ध्यान रखो, जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव की अवेलेबिलिटी है, 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं, तब तक आप कभी नहीं गिरोगे। अगर एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चलते हो वो पूरा तो गिर जाओगे। इसलिए अगर आपको डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग करने है, इंटरेस्ट है, तो ध्यान रखें उसके साथ एक साइडलाइन कोर्स भी तैयार रखें। नेक्स्ट है सीए। बड़ा आसान सा, बड़ा कॉमन है, सीए के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं मुझे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो भाई कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मैं बीकॉम करूँ या सीए करूँ, तो भाई सीए जो है प्रोफेशनल कोर्स और बीकॉम आपका जो है नॉर्मल कोर्स है, तो बीकॉम के साथ साथ सीए की जाती है या किसी बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको सीए करनी पड़ती है, ठीक है। सीए के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 जिसमें आपका कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसके अंदर आपका 12th का कोर्स भी आता है, थोड़ी बहुत लॉज वगैरह भी आ जाती है। उसके बाद आता है आपका आईपीसीसी, ठीक है। उसके बाद 3rd होता है आपका आर्टिकलशिप यानी ट्रेनिंग, और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हैं या 3-4 स्टेप्स हैं किस तरीके से आप सीए कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीएस, ठीक है। ये भी वही कॉमन चीज है, मैं वो कॉमन नहीं बताना चाहता जो कि शायद सबको पता है। आप भाई 12th खत्म कर चुके हो, क्या करना है भाई, सीए कर ले, सीएस कर ले, इसके बारे में सब लोगों को जानकारी है, तो मैं इनको ज्यादा डीप में नहीं लेने वाला क्योंकि बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीएस कर लिए तो उसमें फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और 3rd मॉड्यूल यानी कि प्रोफेशनल जो होता है आपका प्रोग्राम वो चलता है, ठीक है। इसके बाद जो 2 कोर्सेज हैं वो बड़े नए हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी है, अगर करने में इंटरेस्टेड हो, अकाउंट्स में अच्छा हो, तो अगला कोर्स आप लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट कोर्स है आपका CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दैट इज न्यू कोर्स तो नहीं कह सकते उसको, पर चलन नहीं है उसका, ठीक है। तो अगर आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हम कह सकते हैं कि इसकी ज्यादा जो है स्कोप यहां नहीं मिलेगा जहां आप हो, बट स्टिल आने वाले टाइम में इसका स्कोप बढ़ सकता है और बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो कॉस्ट वगैरह को हैंडल आउट करता है। लास्ट जो आपका कोर्स है वो है CFP। ये जो कोर्स है CFP, ये शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट इसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले 3 साल में 110% बहुत बढ़ने वाली है। वो है आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। आप फाइनेंशियल प्लानर बन जाएंगे, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स है, आप उसको अगर अडॉप्ट करते हैं सीएफपी को, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है। अच्छा रहेगा अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो, फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो ही लेना, नहीं इंटरेस्ट है तो मत लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो भाई ये मैंने कुछ बेसिक कॉमन से कोर्सेज बताए हैं आप लोगों को, वो आप करोगे तो अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ ऐसी हमारी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हम बात करें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो वहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको अच्छा मिलता है। IIM अगर जाओ, इंटीग्रेटेड कोर्स करो, दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। बट ये ध्यान रखें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किसी को देखा देखे करोगे तो कोई मतलब नहीं है। देखो क्या होता है, कॉमर्स बंदे की, कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है ना, उसके पास एक बड़ी दिक्कत ही आती है कि 12th के बाद वो खो जाता है। 12th तक वो कॉमर्स इस विराग में रहता है कि सर अब क्या है, अब तो बस जिंदगी सेट है, 12th पास करते बिजनेसमैन बन जाएंगे। पर 12th खत्म करने के बाद उसको पता लगता है कि बाकी जो सारे के हैं यानी कि साइंस वाले, वो क्या होता है, उनको पता है क्या करता है, वो 12वीं के बाद तैयारी करने लग जाते हैं। और हमारा जो कॉमर्स का विद्यार्थी है वो ये सोचता है कि यार ये लोग तो तैयारी कर रहे हैं, पर मैं किस चीज की तैयारी करूं, ठीक है। और ले देखे फिर उसके पास ऑप्शन बनते हैं बीकॉम, बीए, बीबीए और यही सारे ऑप्शन जो मैंने बताए, ये आप लोग को ऑप्शन मिलते हैं सीएससीएस, ठीक है। और इसके बाद जो कुछ नहीं समझ पाता वो क्या करता है, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता है, ठीक है। तो गाइस एक चीज ध्यान से समझो, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है बीबीए कीजिए, इकोनॉमिक्स में जेनुइनली इंटरेस्ट है, पढ़ने में अच्छा लगता है, समझने में तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है, हम समझाएंगे तो सबको मजे आएंगे, बट द थिंग इज दैट अगर आप ये सोच के देखो कि अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या आप उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, अगर हाँ हो तो आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ना तो बीकॉम अच्छा है, ना बीबीए अच्छा है, ना बीए अच्छा है, ना एलएलबी अच्छा है। वो अच्छा तब बनता है जब आप उसमें जोड़ दें अपना इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो कीजिए, अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा,
तो गाइस डू वन थिंग, बीकॉम कीजिए ताकि आपको समय मिले, ठीक है। जो मैंने लास्ट के जो बताया सीएफपी हो गया, सीएमए हो गया, सीएसीएस हो गया, एलएलबी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा हो गया, ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जहां बंदे का माइंड क्लियर है कि हाँ मुझे ये करना है तो वो कर देगा। बाकी जो लोग कंफ्यूज हैं इसलिए कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें एक बीए हो गया, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, हाँ वो भी कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, मैंने भी की करने का प्रयास किया था, उसमें आप सजेस्ट स्पेसिफाइड तीन सब्जेक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आपको ले सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ऑनर्स भी कर सकते हैं, दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो ध्यान रखो बस इस चीज का कि भाई कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, कोई कोर्स बुरा नहीं है, द थिंग इज दैट कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, नहीं है अभी तक दिमाग में कि क्या करना है, क्यों करना है, बीकॉम कीजिए दिमाग में आ जाएगा, बीबीए कीजिए दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, और एक और चीज, जिन लोगों ने हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नया एडिशन आया है उसका प्री ऑर्डर कराया है, गाइस 2-3 दिन डिले होगा, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई थी, इसलिए से 2-3 दिन वो डिले हो चुका है, बट बी श्योर अबाउट दैट ये आपको मिल जाएगा। हमने डिस्पैच भी किया था, फिर उसको वापस से मंगाना पड़ा क्योंकि प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हमें पता लग गई थी, ठीक है, तो उस वजह से हमने वापस मंगा लिया है, अब वो 2-3 दिन में आपको डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है, और शायद अब तक वो भी गया हो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। So guys, this is it for today's video. नया सेशन बड़ी जल्दी आ रहा है आप लोगों के लिए, उसी की तैयारी कर रहे थे, बस खत्म होने वाली है तैयारी, बस that's it for today's video. Keep on watching Economics and Tips. Do like, comment.